हेलो फ्रेंड्स, कैसे आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो कुछ ऐसे की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं एंड जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी के लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी रिकॉर्ड के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। मैं डेली ऐसे नए नए कंटेंट वीडियो लाता ही रहता हूँ, तो क्या करना है हमें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से टूल्स पे खोलना है, कुछ इस टाइप से आपको पोस्ट करा लेना, ठीक है। एंड यहाँ से हाथ नहीं बिठाएंगे तो कोई बात नहीं, मतलब सिंपली कुछ इस टाइप से पोज कराना है आपको, ठीक है। एंड ऊपर का थोड़ा और बैकग्राउंड रहे तो और अच्छा रहेगा। तो जस्ट यहाँ से एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ब्राइटनेस को हम पूरा डाउन रखेंगे, ठीक है। एंड कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे एंड क्लियरिटी को ज़्यादा नहीं, इतना रखेंगे, ठीक है। सैचुरेशन इसका माइनस रखेंगे एंड यू को इस साइड एंड हाईलाइट को भी इस साइड, ठीक है। एंड यहाँ से शैडो को भी ज़्यादा नहीं, कुछ इतना टेम्परेचर करने देते हैं। एंड यहाँ से क्लैरिटी को और थोड़ा कम एंड कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना, ठीक है। इतना करने के बाद शैडो को इतना मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ से इरेजर पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से हार्डनेस को फुल साइज के मुताबिक रख लेना है, ठीक है। और हमारा पेज हमारा जहाँ पे मॉडल है, ठीक है, एंड उस मॉडल वाले पार्ट को इरेज करना है, थोड़ा जितना मतलब अच्छे से करिएगा इरेज। तो चलिए हम फटाक से इरेज कर लेते हैं। तो ओके गाइस, आपको जो जो एरिया दिख रहा है एंड उतना इरेज करना है, ठीक है। एंड मतलब कि ज़्यादातर इसको भी इरेज कर दोगे तो मतलब क्या होगा कि जो भी हम बैकग्राउंड एंड पेंटिंग के लिए यूज करेंगे वो मतलब इस पर दिखेगा नहीं। तो आप थोड़ा मतलब वीडियो जल्दी हो गई तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। यहाँ से इतने करने के बाद राइट पे हम क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड पीएनजी ऐड करनी है, ठीक है। तो सारी पीएनजी का लिंक आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाक से पीएनजी ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पहले फायर वाली, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से रखने के बाद क्या करना है हमें, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है इसको एंड थोड़ा सा और नीचे इसको रखना है एंड छोटा में थोड़ा एंड कुछ इतना रखने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा फिर से ऐड फोटो पे जाना है एंड दूसरी पीएनजी ऐड करनी है। तो चलिए दूसरी ऐड कर लेते हैं, कोई है। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से करने के बाद क्या करना है, इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको भी स्क्रीन कर देना है एंड इसको यहाँ से मूव डाउन करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इरेजर पर क्लिक करना है एंड जो फेस पे आ रही है उसको हम इरेज कर देते हैं एंड इधर से, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब कि दिख रहा है तो थोड़ा देख के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एंड इतना करने के बाद यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे एंड फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड एक और पीएनजी ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये रही यार, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो कैसी लगी वीडियो। एंड यहाँ से 2022 वाला इंट्रो जो लोगो है इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से करने के बाद क्या करना है, यहाँ से ब्लेंडिंग मोड क्लिक करना है एंड यहाँ से ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पर क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मैं इसको कुछ यहाँ पे इतना रखूँगा एंड इतना करने के बाद एंड यहाँ से इरेजर पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ब्रश का हार्डनेस कुछ इतना रखना है एंड ओपेसिटी को फुल साइज के मुताबिक एंड देख सकते हो यहाँ पे लाइन जो आ रही है एंड इसको यहाँ से इरेज करना है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ इस टाइप से इरेज करना है कि पता ना चले कि यहाँ पर कुछ है, ठीक है गाइस। थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, विश यू हैप्पी को। एंड यहाँ पे जितना ध्यान दोगे मतलब आगे चल के मतलब उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ से राइट पे क्लिक करते हैं एंड इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा हल्का करके देख लेते हैं एंड देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इतने पे, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से ड्रॉ ओपन करना है एंड यहाँ से 3 डॉट क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है, ठीक है गाइस। तो ओके फ्रेंड्स, हम लाइटर मैच करने इसकी कलर ग्रेडिंग करने वाले थे, यहाँ से लाइट
पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है, हाईलाइट को माइनस रखेंगे एंड शेडो को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कंट्रास्ट को हम 22 रखना है, ठीक है, हाईलाइट को -20 रखना है एंड शेडो को +23, एंड वाइट को देख लेते हैं, एंड वाइट को प्लस के साइड 31 एंड ब्लैक ब्लैक को माइनस के साइड 18, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ से कलर्स में आ जाना है एंड वाइब्रेस को 22 रख देना है, ठीक है। टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाएंगे, 10 के आसपास रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मिक्स में आ जाएंगे, मिक्स में आने के बाद इसका हम सेचुरेशन प्लस रखेंगे एंड ह्यू को माइनस, ठीक है। सेचुरेशन को हम 23 प्लस रखेंगे एंड ह्यू को -34, ठीक है। यहाँ से इस वाले पैनल में आ जाएंगे एंड इसका सेचुरेशन माइनस रखेंगे एंड लुमिनस को +21 एंड ह्यू को प्लस के साइड 14, ठीक है। यहाँ से येलो कलर का हम क्या करेंगे, सेचुरेशन को माइनस रखेंगे एंड ह्यू को -50 एंड इसका सेचुरेशन हम माइनस ही रखेंगे, कोई काम नहीं है। एंड इसका ह्यू माइनस हम अकॉर्डिंग 38 रखते हैं एंड यहाँ से इन सब का सेचुरेशन माइनस रखेंगे इन चारों का, ठीक है। यहाँ से डन डन करने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ से विगनेट को कुछ इतना रख देंगे एंड क्लियरिटी को कुछ इतना बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से मिड पॉइंट को कुछ इतना रखेंगे एंड फेदर को भी कुछ इतना, ठीक है। एंड ये सेटिंग देख सकते हो एंड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से डन कर देंगे एंड यहाँ से बिफोर आफ्टर देख सकते हो, ये बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से शेयर एंड सेफ्टी डिवाइस। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।